नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित केसरवानी आपका नेट ग्यारह परिवार में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, फॉलोवर्स एवं जो भी साथीगण हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आप सब लोगों को यह अवगत कराना चाहता हूं कि इस परिवार के साथ नेट ग्यारह के प्रिपरेशन के रूप में मैं आपका साथ दूंगा। नेट कैसे होता है, नेट की क्या प्रिपरेशन, इन समस्त बातों पर आज एक विहंगम चर्चा रखा जाएगा। प्रमुख मुद्दा आज का चर्चे का है वो है नेट क्या है, नेट करने के बाद हमें क्या क्या लाभ है, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर बनने की अधिमान योग्यता क्या है, विश्वविद्यालय की मान्यता क्या है, डिग्री कॉलेज के मानक क्या है, कैसे अप्लाई किया जाता है, एपीआई स्कोर कार्ड क्या होता है, पेपर का पब्लिकेशन कैसे होता है, क्या हमें पीएचडी करना जरूरी है या बिना पीएचडी के हम असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, लोक सेवा आयोग, उच्च शिक्षा सेवा चयन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग की, विश्वविद्यालय की, विश्वविद्यालय के डिग्री कॉलेजेस की मानक क्या है, किस तरह से हम अप्लाई करते हैं, इस तमाम बातों की जानकारी के संदर्भ में यह क्लास ऑर्गेनाइज की गई है। इसके साथ ही साथ मैं आगे चल करके कुछ और सेशंस रखूंगा जिसमें नेट प्रथम प्रश्न पत्र के हर सेक्शन, हर खंडों का विश्लेषण किया जाएगा। नेट प्रथम प्रश्न पत्र के हर सेक्शन टीचिंग, रिसर्च, लॉजिक, रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, हायर एजुकेशन, एनवायरमेंटल साइंस, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन कॉम्प्रिहेंशन, एजुकेशनल कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, हर सेक्शन से कुछ क्वेश्चंस की चर्चा की जाएगी जिसमें कैसे प्रिपरेशन किया जाए, क्या स्ट्रेटेजी है, इस पर पूरी विवेचना रखी जाएगी। इस संस्थान में यूजीसी नेट ग्यारह के प्रथम प्रश्न पत्र का पूर्ण विश्लेषण कैसे इसका अध्ययन कराना है, इसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है। अतः मैं हर खंड के साथ आपकी तैयारी कराऊंगा। साथ ही साथ समाजशास्त्र विषय जिसमें मेरा स्वयं नेट रहा है, ग्यारह रहा है, पीएचडी रही है, मैं उसी विषय में आपका यहाँ पर नेट ग्यारह की तैयारी कराऊंगा। साथ ही साथ पीजीटी की सोशियोलॉजी की क्लासेस हैं वो भी मैं यहाँ पर रन करूंगा। इस प्रकार से तीनों खंडों को मैं स्वयं देखूंगा। अब इस सेगमेंट में हम वापस लौटते हैं और मूल चर्चा जो हमारे मूल इस टॉपिक जिस लिए आज आयोजन किया गया उस पर चर्चा करेंगे, मूल बातों पर कि नेट क्या है। तो सर्वप्रथम आज की डेट में अगर कोई परीक्षा देखी जाए एकेडमिक फील्ड में जो सबसे ज्यादा मजबूत है, जिसमें बच्चों की सबसे ज्यादा मांग है, वो है नेट ग्यारह। दो ऐसी परीक्षाएं देश में हैं जो नियमित रूप से समय पे होती हैं, एक तो यूपीएससी की परीक्षा है और दूसरा है यूजीसी की नेट ग्यारह की परीक्षा। यूपीएससी की परीक्षा मई के माह में होना है, तय रहता है। उसी प्रकार से नेट ग्यारह यूजीसी की जो परीक्षा है वो हर जून और दिसंबर को लगभग दूसरे और तीसरे सप्ताह में ऑर्गेनाइज होना होता है, ये एक सुनिश्चित है। और इस प्रकार से नेट के एस्पिरेंट्स लगभग पीजी क्वालिफायर्स जो भी कंप्लीट कर चुके हैं वो दे सकते हैं। साथ ही साथ नेट के एस्पिरेंट्स के रूप में जो फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लेते हैं वो भी नेट की परीक्षा में बैठ सकते हैं। ऐसा क्यों है कि आयोग फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने वालों को नेट की परीक्षा में सम्मिलित होने की छूट देता है? इसका कारण यह है कि अगर कोई स्टूडेंट पहले साल में जेआरएफ हो जाता है तो दूसरे साल में जैसे ही उसकी पीजी कंप्लीट होती है वह जुलाई तक में पीएचडी में एडमिशन ले ले। यानी कि अगर दिसंबर में कोई व्यक्ति जेआरएफ हो जाता है तो फरवरी मार्च एंड तक होते होते पीएचडी का फॉर्म आ जाता है और उस संदर्भ में वो पीएचडी के लिए में फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो जाता है, क्योंकि अब तो नेट ही क्वालिफाइंग है। यानी कि अगर देखा जाए तो पीएचडी के एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ से क्रेडिट की परीक्षा भी अब नहीं होगी, और क्रेडिट की परीक्षा जब नहीं होगी तो केवल नेट की यानी यूजीसी के स्कोर कार्ड के आधार पर उसे पीएचडी में एडमिशन मिल सकता है। और इस आधार पर जून में उसका पीजी कंप्लीट हुआ, रिजल्ट आया, जुलाई से उसकी पीएचडी में एडमिशन हो जाता है। इस प्रकार से सेशन ब्रेक होने से बेहतर हो जाता है, और इसलिए हर छात्र को जो कि पीएचडी करना चाहते हैं नेट के एस्पिरेंट्स हैं उन्हें पीजी के फर्स्ट ईयर से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देना चाहिए। यानी जैसे ही पीजी में एडमिशन हो वैसे ही आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, एक साल खत्म होते होते तक में आपकी इतनी स्ट्रांग पोजीशन हो जाए कि इधर आपका पीजी कंप्लीट हो और उससे पहले आपका जेआरएफ हो चुका हो जिससे पीएचडी में एडमिशन हो जाए। और इस संदर्भ में एप्लीकेंट्स लेट से तैयारी शुरू करते हैं क्योंकि लोगों की जानकारी नहीं होती, और जानकारी ना होने की वजह से क्या होता है कि बच्चा ये सोचता है कि हम जैसे ही पीजी कंप्लीट करेंगे तब हम पीएचडी की तैयारी करेंगे, तब हम नेट क्लियर करेंगे। ऐसे में एक से डेढ़ साल, दो साल कई बार समय चला जाता है, और पीएचडी में एडमिशन के लिए दो साल, ढाई साल वो समय व्यर्थ हो जाता है। वास्तव में देखा जाए तो वो फेल ईयर बन जाता है। अब कोई भी छात्र नहीं चाहता कि उसका साल खराब हो, इसलिए जो व्यक्ति पहले से इन बातों को माइंड में रखे हैं कि उन्हें प्रोफेसर बनना है या नेट क्वालिफाइड करना है, पीएचडी करना है, कोशिश यही रखें कि पीजी कंप्लीट होने से पहले ही नेट हो लें। खैर, जो भी यहां पर हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, नेट के लिए एस्पिरेंट्स या जेआरएफ के एस्पिरेंट जिनका नेट हो चुका है
या असिस्टेंट प्रोफेसर के पॉइंट ऑफ से इन समस्त बातों को ध्यान में रखते हुए यह वीडियो बनाया गया है। हम सबसे पहले चर्चा जो शुरू करेंगे वो नेट से शुरू करेंगे कि नेट की शुरुआत कैसे हुई, कब से हुई। तो यहाँ पर देखें तो नेट की शुरुआत जो है वो 1989 से हुई है। 1989 नेट की शुरुआत होती है, जिसमें यूजीसी के द्वारा मल्होत्रा कमीशन बनाया जाता है, जिसका उद्देश्य था ये देखना कि देश में विश्वविद्यालय स्तर पे, डिग्री कॉलेज स्तर पे शिक्षण की क्या व्यवस्था है। मल्होत्रा कमीशन ने अपनी जांच में बताया कि वो उस समय एमफिल और पीएचडी शिक्षण की व्यवस्था है, यानी कि शिक्षक बनने के लिए एमफिल जो था वो यूजी लेवल पे मान्य था, और पीजी करके आप पीजी लेवल पर पढ़ा सकते थे। तो एमफिल करने के बाद यूजी लेवल पे पढ़ाया जा सकता था, और पीजी करने के बाद आप हायर एजुकेशन लेवल पे पढ़ा सकते थे, यानी कि एमए स्तर पे पढ़ाया जा सकता था। अब यहाँ पर इनमें कुछ कमियां महसूस की गई, मल्होत्रा कमीशन का रिकमेंडेशन आया कि इसमें कुछ कमियां हैं। कमियां क्या थी? रिसर्च में जो सबसे बड़ी कमी होती है, या देखा जाए तो व्यक्ति पूरे विषय पे नहीं पढ़ता, बल्कि उस विषय से संबंधित किसी एक टॉपिक पर वह गहन अध्ययन 5 वर्षों तक करता है। जैसे मैंने स्वयं समाजशास्त्र विषय में रिसर्च किया, और समाजशास्त्र विषय में मैंने एक टॉपिक लिया कुंभ मेला द स्टडी ऑन सोशियोलॉजी ऑफ कल्चर, और इस संदर्भ में देखा जाए तो मैंने 5 वर्ष तक कुंभ मेले पर अध्ययन किया, कुंभ मेले के ऊपर पूरी संरचनात्मक अध्ययन, यूं कहें तो कल्चर पर अध्ययन किया। अब अगर मैं कुंभ मेले के स्टडी करके पीजी लेवल पे पढ़ाने जाऊं तो क्या मैं केवल कुंभ मेला ही पढ़ाऊंगा? अब वास्तव में देखा जाए तो मेरी जो पीजी लेवल की पढ़ाई है वही काम आएगी। तो पीजी लेवल की पढ़ाई स्ट्रांग हो, पीजी लेवल की पढ़ाई इस स्तर से हो जो बेहतर रूप से शिक्षण के लिए प्रभावी हो सके, इसलिए जरूरी होता है कि पीजी लेवल की पढ़ाई की जांच की जाए कि उसने पीजी की पढ़ाई कैसी की है, क्योंकि पीएचडी की पढ़ाई से पीजी की पढ़ाई में पढ़ाना कोई विशेष योग नहीं दिखता। इसलिए पीएचडी को सेकेंडरी करके यहाँ यह बात प्राइमरी रखी गई कि पीजी स्तर की जाँच किया जाना चाहिए। अब पीजी लेवल की जाँच के संदर्भ में देखा जाए तो यहाँ पर नेट की परीक्षा कंडक्ट कराए रखने की बात रखी गई। नेट क्या है? नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा। ऐसा कहा गया कि जो भी व्यक्ति पीजी पास करे वो एक परीक्षा दे, और इस परीक्षा को एक स्टैंडर्ड के हिसाब से देखा जाएगा। एक मानक तक पहुंच जाने के बाद यह मान लिया जाएगा कि अपने विषय में वह इतना व्यक्ति एक्सट्रीम नॉलेज रखता है कि वह बेहतर रूप से विषय की समझ भी रखता है और दूसरों को समझाने की क्षमता विकसित हो चुकी है। इस संदर्भ में नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट बनाने की बात रखी गई। अब यहाँ पर एक जो प्रमुख समस्या आई वो ये आई कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसमें सिलेबस क्या रखा जाए, क्योंकि अगर हम पीजी के सिलेबस की जांच करें तो हर यूनिवर्सिटी में अलग अलग सिलेबस है, तो सिलेबस एक रूपता में नहीं था। तो सिलेबस को एक रूपता में लाने के संदर्भ में यह बात रखी गई कि 1956 में जब यूजीसी की स्थापना हुई तो एक करिकुलम बनाया गया, उस करिकुलम को ही हर यूनिवर्सिटी में भेजा गया, जिसके अनुसार सिलेबस को बांट देने की बात रखी गई थी। तो उसी करिकुलम को यूजीसी नेट का सिलेबस बना दिया गया। अगर करिकुलम आपने पढ़ लिया तो देश के किसी भी विश्वविद्यालय में पढ़ाने के लिए एलिजिबिलिटी बन जाती है। इस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट की घोषणा कर दी गई, और इस प्रकार से कोई नेट क्वालिफाइड हो जाता है तो राष्ट्र स्तर पे पात्र है किसी भी विश्वविद्यालय में पढ़ाने के लिए। यानी वो अब किसी परीक्षा के लिए उसे बुलाने की जरूरत नहीं है, ना कोई और परीक्षा लेने की जरूरत है, अब वह राष्ट्र स्तर पर पात्र है, परीक्षा उसने दे दिया है, विश्वविद्यालय में सीधा इंटरव्यू में भी जा सकता है, और इंटरव्यू देने के बाद वह असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नियुक्त हो सकता है। और इस प्रकार से नेट का महत्व शुरू हुआ और नेट की परीक्षा प्रारंभ हो जाती है। मल्होत्रा कमीशन ने रिकमेंड किया कि यूजी पीजी में बहुत सी कमियां हैं और इसीलिए इसे समाप्त करके नेट को अनिवार्य बना देना चाहिए। यूजीसी ने ऐसा प्रयास किया परंतु मामला विरोध का उठा, और फिर नेट को अनिवार्य नहीं बनाया गया, और साथ ही साथ उस समय एमफिल, पीएचडी और नेट तीनों को योग्यता बना दी गई। एमफिल को भी नहीं हटाया गया, पीएचडी को भी नहीं हटाया गया, और नेट को भी रख दिया गया। लेकिन आगे चलकर धीरे, यानी आगे चल के कुछ समय के बाद, लगभग 2008 के बाद विरोध के स्वर और तेज होते हैं,
और 2009 में एक फैसला आता है जिसके अनुसार एमफिल को हटा दिया गया, ये कहते हुए कि चूंकि अब संख्या नेट की ज्यादा बढ़ गई है और पीएचडी अभी रखा जाए क्योंकि बहुत से ऐसे क्षेत्रों में नेट क्वालिफाइड कम है, अतः पीएचडी को अभी तुरंत नहीं खत्म किया जाएगा, लेकिन एमफिल को हटा दिया गया और यह बात रख दी गई कि नेट और पीएचडी ये दोनों योग्यताएं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मानक हो गई। आगे चलकर धीरे धीरे इसमें और भी बातें रखी गई जिसमें नेट को या पीएचडी को किसको वरीयता दिया जाए, इस प्रक्रम में नेट को वरीयता देने की बात रखी गई कि विश्वविद्यालय में नेट को वरीयता दिया जाए, नेट ना मिले तो पीएचडी से काम चलाया जाए। इस प्रकार से नेट प्रमुख हो गया, पीएचडी गौण हो गया। आगे यह बात ध्यान में रहे, बहुत से लोग इस बात को नहीं अभी समझते हैं, पीएचडी अनिवार्य नहीं है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, नेट काफी है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। हाँ, पीएचडी में कुछ सुधार जरूर किए गए क्योंकि 2009 में एक ऑर्डिनेंस लाया गया जिसमें यह बात रखी गई जब पीएचडी को हटाया नहीं जाना है तो पीएचडी में सुधार की आवश्यकता है, इसलिए ऑर्डिनेंस 2009 बनाया गया जिसमें पीएचडी में कुछ प्रमुख बिंदुओं में चेंजेस लाए गए। सबसे पहले एडमिशन को लेकर क्रेट की परीक्षा को लाया गया, इसके बाद पीएचडी एडमिशन में हो जाने के बाद प्री पीएचडी कोर्सवर्क, क्योंकि उस समय कोई भी परीक्षा पीएचडी के अंदर नहीं होती थी तो एक प्री पीएचडी कोर्सवर्क अनिवार्य कर दिया गया, तो क्रेट और क्रेट के बाद प्री पीएचडी कोर्सवर्क अनिवार्य किया जो 6 मंथ कोर्सवर्क होता है, इसको करने के बाद ही पीएचडी का कार्य एक प्रकार से शुरू माना जाता है। इसके बाद तीसरी विशेषता डाल दिया गया रिसर्च पेपर्स का पब्लिकेशन, और रिसर्च पेपर अगर पब्लिश नहीं है तो एक प्रकार से थीसिस ही वैल्यूएट नहीं होगी, इस तरह से ये कुछ बातें इंपॉर्टेंट इसके अंतर्गत डाली गई। तो क्रेट, प्री पीएचडी और रिसर्च पेपर, इनके साथ साथ कहा जाए तो पीएचडी को बहुत कॉम्प्लेक्स बना दिया गया, नेट सरल सुगम और श्रेष्ठ हो गया और पीएचडी कठिन हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, और इस प्रकार से नेट और पीएचडी दोनों विशेषताएं यानी दोनों क्वालिफिकेशंस अभी तक बनी हुई है, इसमें बहुत विशेष अंतर नहीं लाया गया है। आज की डेट में भी देखा जाए तो आप या तो नेट हो या तो पीएचडी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो नेट के संदर्भ में देखा जाए तो नेट कर लेना ही काफी है, पीएचडी की आवश्यकता नहीं होती है, नेट अगर आप हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेट क्या है, नेट एक राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा है जिसको करने के बाद कोई भी व्यक्ति भारत देश में किसी भी विश्वविद्यालय में अप्लाई कर सकता है, डिग्री कॉलेज में अप्लाई कर सकता है, वहां इंटरव्यू इत्यादि के माध्यम से, स्क्रीनिंग परीक्षाओं के माध्यम से उसका सिलेक्शन करके उसे पोस्टिंग किया जा सकता है। इस प्रकार से नेट एक कहा जाए तो अच्छी योग्यता है, और एक बार आपने धारित कर दिया तो लाइफ टाइम तक, यानी जैसे नेट करने के बाद आपको बार बार नेट करने की जरूरत नहीं है, एक बार नेट क्वालिफाइड हो जाते हैं तो उसका लाइफ टाइम तक आपकी वैलिडिटी बनी रहती है। ये नेट की एक विशेषता यहाँ पर रखी गई। नेट के बाद अब हम बात करते हैं कि जेआरएफ क्या है। नेट में ही हाई मेरिट रखी गई, जो लोग नेट में हाई मेरिट में आएंगे वो जेआरएफ के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। जेआरएफ के लिए एज लिमिट सुनिश्चित की गई, जेआरएफ के लिए पहले 28 वर्ष सुनिश्चित किया गया था जनरल समुदाय के लिए और 5 वर्ष इसमें अदर कैटेगरीज के लिए एक्सटेंशन था, जो आगे चलकर इसमें 2 वर्ष और बढ़ा दिया गया। जनरल समुदाय के लिए इसे 30 वर्ष कर दिया गया और एससी एसटी ओबीसी पीएच वीएच एवं समस्त महिला अभ्यर्थी वुमेन कैंडिडेट्स, ध्यान से समझिएगा, एससी एसटी पीएच वीएच एवं समस्त वुमेन एप्लीकेंट्स महिला अभ्यर्थियों को 5 वर्ष का एक्सटेंशन जेआरएफ में दिया गया। इस संदर्भ में देखा जाए तो अगर आप जेआरएफ होते हैं तो जनरल बॉयज को छोड़कर बाकी समस्त कैटेगरी के लिए ये 35 वर्ष है, 35 ईयर्स ऑफ एज, तो 35 साल तक आप जेआरएफ हो सकते हैं। जेआरएफ हो जाने के बाद वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो 2 साल तक आप किसी भी विश्वविद्यालय में पीएचडी में एडमिशन अगर ले लेते हैं 2 साल की वैलिडिटी है, इसके अंदर पीएचडी में आपका कहीं एडमिशन हो जाता है तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। अब स्कॉलरशिप कितनी मिलती है, एक अप्रोक्सीमेटली जो स्कॉलरशिप रखी गई है वो लगभग 38,000 के आसपास बनती है, 38,000 प्लस माइनस करते हुए ये 40 प्लस के आसपास बनती है, ये विश्वविद्यालयों के अनुसार थोड़ा बहुत चेंजेस होती रहती है, तो इस प्रकार से 40,000 के आसपास आपको ये स्टाइपेंड मिलना शुरू हो जाता है, जो कि आगे चल के एसआरएफ में परिवर्तित होता है जिसके लिए कोई और परीक्षा देने की जरूरत नहीं है, और लगभग
25 से 30 लाख आपको रिसर्च पीरियड में मिलता है। लेकिन ध्यान देने की बात है, सिर्फ जेआरएफ होने पे आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती, जेआरएफ होने के बाद पीएचडी में एडमिशन लेना अनिवार्य है। पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए 2 साल के अंदर वैलिडिटी है, आपको पीएचडी में एडमिशन लेना होगा तभी आपको जेआरएफ मिलेगा। यहां पर भी कुछ बदलाव जो हाल ही में हुए हैं, यूजीसी के नए नॉर्म्स आए हैं जिसके अनुसार सर्वप्रथम पीएचडी में एडमिशन के लिए जो क्रेट का सिस्टम था वो लगभग अब समाप्त हो रहा है और इसमें यूजीसी नेट की परीक्षा के द्वारा ही एडमिशन का रास्ता खोल दिया गया है। हाँ, ध्यान से समझिएगा, यूजीसी नेट की परीक्षा के माध्यम से ही एडमिशन का रास्ता खोल दिया गया है। इसके लिए कैटेगरी विश्लेषण शुरू किया गया है जिसे मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूं। कैटेगरी विश्लेषण यहां पे आपको दिख रहा होगा, ये 3 कैटेगरी सिस्टम बना दिया गया है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। कैटेगरी 1 में यानी एक प्रकार से मेरिट वाइज बनेगा, मेरिट हाई मेरिट में आएगा तो कैटेगरी 1 में आप आएंगे। कैटेगरी 1 में जो लोग होंगे उन्हें जेआरएफ अवार्ड किया जाएगा, दे आर अवार्डेड एज जेआरएफ, यानी कि उनको जेआरएफ तो मिल ही गया है। इसी में उनको नेशनल एलिजिबिलिटी पास माना जाएगा, यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वो एलिजिबल है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ पीएचडी एडमिशन के लिए भी एलिजिबिलिटी बन जाएगी, अब पीएचडी एडमिशन के लिए भी एलिजिबिलिटी रहेगी। 2 साल तक इसकी वैलिडिटी है जेआरएफ की, तो 2 साल तक आपको पीएचडी के लिए कहीं एडमिशन के लिए कोई एंट्रेंस देने की जरूरत नहीं है, आप इसी स्कोर के कार्ड के आधार पर पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ पर एकदम साफ बात है कि कैटेगरी 1 में अगर हम आते हैं तो हम जेआरएफ हैं, हम असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर लाइफ टाइम के लिए हो जाते हैं, जेआरएफ की वैलिडिटी 2 साल तक है और पीएचडी में एडमिशन के लिए हम एलिजिबल हैं, पीएचडी एडमिशन के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये प्रोसीजर है जो कि यहाँ लिखा है, द जेआरएफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स आर एडमिटेड इनटू पीएचडी प्रोग्राम बेस्ड ऑन एन इंटरव्यू एज पर द यूजीसी मिनिमम स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर्स फॉर अवार्ड ऑफ पीएचडी डिग्री रेगुलेशन 2022। यानी जेआरएफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को पीएचडी प्रोग्राम में इंटरव्यू के आधार पर अब एडमिशन होगा, कोई रिटर्न देने की जरूरत नहीं होगी। ऐसा था कि कुछ विश्वविद्यालय जेआरएफ के एस्पिरेंट्स अवार्डीज को अभी परीक्षा ले रहे थे तो आयोग ने यहाँ थोड़ा सा रोक लगाया, यहाँ पे सीधी सीधी बात रख दी कि जेआरएफ क्वालिफाइड है उनको इंटरव्यू के लिए बुलाइए, इंटरव्यू के साथ ही उनको पीएचडी में एडमिशन दिया जाए। यूजीसी नेट अंडर कैटेगरी 2 इन कैटेगरी 3 कैन बी यूज एन एंट्रेंस टेस्ट फॉर पीएचडी एडमिशन इन प्लेस ऑफ एंट्रेंस टेस्ट कंडक्टेड बाई डिफरेंट यूनिवर्सिटीज फॉर द एडमिशन ऑफ पीएचडी। अब यहाँ पे देखिए कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 में थोड़ा सा चेंजेस रखा गया। कैटेगरी 2 में पहली बात तो जेआरएफ नहीं होगा, इसमें आप नेट हो गए हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हैं, पर पीएचडी में एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी बनी रहेगी केवल उस वर्ष तक, यानी जिस सेशन में आपने नेट क्लियर किया है उस सेशन में आप पीएचडी में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब वो विश्वविद्यालय आपको पीएचडी के लिए एलिजिबल मानेगा उस साल के लिए, यानी कहने का मतलब नेट तो लाइफ टाइम के लिए एलिजिबिलिटी हो गई लेकिन पीएचडी एडमिशन के लिए वही साल आपके लिए एलिजिबल रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट ईयर अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करते हो तो आपको फिर से नेट का स्कोर कार्ड उस लेवल का लाना होगा, यानी मिनिमम नेट क्वालिफाइड स्टैंडर्ड यानी कैटेगरी 2 में आना होगा, तभी आप पीएचडी के एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो पॉइंट यहां पर कैटेगरी 2 में जेआरएफ नहीं है लेकिन नेट है और नेट लाइफ टाइम तक वैलिड है, आप लाइफ टाइम तक असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं और पीएचडी एडमिशन के लिए उस साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं, 1 साल के लिए वैलिडिटी रहेगी। कैटेगरी 3 में देखिए क्या किया गया, ये अभी नई कैटेगरी बनाई गई, इससे पहले ऐसी कोई कैटेगरी थी नहीं, सिर्फ ये था हाई मेरिट पे जेआरएफ आना था, लो मेरिट पे नेट होना था। अब थोड़ा सा चेंजेस हो गया, चेंजेस क्या हुआ कि आपको ना ही जेआरएफ हो रहे हैं और ना ही नेट हो रहे हैं, देखिएगा ना ही नेट ना ही जेआरएफ, आप कोई भी चीज क्वालिफाइड नहीं माने जाएंगे, लेकिन आपका स्कोर तो भी आपका कुछ काम करेगा। स्कोर कार्ड यानी लो मेरिट में नेट क्वालिफाइड नहीं भी हो पाए या नेट क्वालिफाइड हो ही नहीं पाए हैं लेकिन आपका मेरिट बेकार नहीं जाएगा, आप पीएचडी में एडमिशन उस साल यानी उस सेशन में अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए आपको छूट रहेगी, यानी आप एडमिशन के लिए एप्लीकेंट बन सकते हैं। तो यहां पर पॉइंट समझिएगा, ना नेट है ना जेआरएफ लेकिन पीएचडी एडमिशन के लिए वैलिडिटी बनी रहेगी। तो यहां पर नेट
यहाँ पे पॉइंट देखिएगा, यूजीसी नेट अंडर कैटेगरी टू कैटेगरी थ्री कैन बी यूज्ड एज एन एंट्रेंस टेस्ट, यानी कोई क्रेट परीक्षा देने की जरूरत नहीं होगी। इट विल बी एन एंट्रेंस टेस्ट फॉर द पीएचडी, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इट विल बी एन असिस्टेंट एंट्रेंस टेस्ट फॉर द पीएचडी, आपको कोई रिटेन परीक्षा क्रेट की नहीं देनी है। और इस पॉइंट ऑफ से कैटेगरी टू और कैटेगरी थ्री में अगर आप हैं तो आप उस साल उस सेशन में अप्लाई कर सकते हैं पीएचडी एडमिशन के लिए इन प्लेस ऑफ एंट्रेंसेस कंडक्टेड बाय डिफरेंट यूनिवर्सिटीज। और यहां पे अब कोई यूनिवर्सिटी क्रेडिट नहीं लेगा, आपका ये एलिजिबिलिटी बन जाएगा। रिटेन परीक्षा दो दो बार देने की जरूरत नहीं है। जनरली जेआरएफ वालों को भी रिटेन परीक्षा लिया जाता था तो उससे तो उनको भी छूट मिल गई, साथ ही साथ अगर आप नेट हो गए हैं तो आपको अब कोई रिटेन परीक्षा देने की जरूरत नहीं है। आप सीधा जाइए विश्वविद्यालय में, आपका इंटरव्यू होगा और आपको पीएचडी में एडमिशन देंगे। अच्छी बात, अच्छी सोच है, एक रास्ता खुला है पीएचडी एडमिशन के लिए और मल्टीपल परीक्षाएं देने से बच गए बच्चे। अब हो रहा था कि बच्चा क्रेडिट की भी परीक्षा दे रहा था, इधर नेट क्वालिफाइड है, इवन जेआरएफ भी क्वालिफाइड है तो भी क्रेडिट की परीक्षा दे रहा था। अब ये एक रिलैक्सेशन मिला कि हम साहब नेट हो गए हैं, इस साल हमारा स्कोर कार्ड वैलिड है, हम किसी भी विश्वविद्यालय में जाए, फॉर्म निकले, अप्लाई करें, इंटरव्यू दे और अगर हमारा इंटरव्यू बेहतर है तो हमें सिलेक्शन मिलेगा। लेकिन देखिए और भी क्या चीजें जोड़ी गई हैं कैटेगरी एनालिसिस में, फॉर कैंडिडेट्स क्वालिफाइड अंडर द कैटेगरी टू एंड कैटेगरी थ्री द मार्क्स ऑब्टेन इन द नेट विल बी हैव 70% वेटेज एंड 30% वेटेज विल बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू। यानी यहां पर दो वर्ग में बांट दिया गया 70% आपके मार्क्स, 70% आपके मार्क्स आपका साथ देंगे। अब 70% आपका मार्क्स यानी आप अगर हाई मेरिट में जेआरएफ में हो तो उसका 70% और अगर आप लो मेरिट में नेट हैं तो उसका 70% और यहाँ पे समझिएगा अगर आप नेट नहीं भी हैं तो जो स्कोर है उसका 70%। यानी ऑब्वियसली हाई मेरिट वाले लड़के का 70% ज्यादा इवेल्युएटेड होगा, उसको ज्यादा वेटेज मिलेगा और 30% केवल इंटरव्यू के लिए। यानी आपके मार्क्स 70% आपको वेटेज दिलाएंगे और 30% आपका इंटरव्यू से वेटेज हो जाएगा। तो दोनों चीजें जोड़ दी गई। पहले क्या होता था, जेआरएफ हो गया लड़का विश्वविद्यालय तब भी उनका रिटेन परीक्षा ले रहा है, क्रेडिट की परीक्षा दे रहा है, क्रेडिट में ही फेल हो गया। चलो अगर क्रेडिट में पास भी हो गया, नेट नहीं है तो रिटेन निकाल लिया, क्रेडिट में पास हो गया, नेट है भी तो भी रिटेन निकाला है, क्रेडिट में पास हो गया, तो इंटरव्यू की पूरे मार्क्स, अब उस रिटेन से कोई मतलब नहीं रहता था, वो तो शॉर्टलिस्टिंग हो गई, अब इंटरव्यू के पूरे मार्क्स। और ये भी विश्वविद्यालयों का अपना अपना तरीका रहता था, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है, कोई और भी डबल परीक्षाएं ले रहे थे, बहुत से ऐसे था। अब ये सारे सिस्टम बंद, अब आपने जो यूजीसी नेट का स्कोर कार्ड प्राप्त किया है एक प्रकार से गेट का, जैसे गेट में स्कोर कार्ड मिल जाता है, उसके बाद आप कहीं पर भी जाकर एमटेक में एडमिशन लेते हैं और आपके स्कोर कार्ड पे आपको कॉलेजेस आवंटित हो जाते हैं, वैसे ही आपके स्कोर कार्ड के आधार पर आप विश्वविद्यालय में अप्लाई करेंगे। अब यहां पर क्या होगा ना कि विश्वविद्यालय अपना अपना रेटिंग बना देंगे कि इतने स्कोर कार्ड तक हमारे यहाँ अप्लाई किया जा सकता है, और ये ठीक भी रहेगा, नहीं तो हर जगह बहुत ज्यादा लोग अप्लाई कर देंगे। लेकिन एक बढ़िया बात यह है कि किसी और रिटेन परीक्षा को देने की जरूरत नहीं रहेगी, जो आपका स्कोर कार्ड हो गया है इसी स्कोर कार्ड के आधार पर जाइए, अप्लाई कीजिए, फॉर्म भरिए, आपका 70% मार्क्स आपके स्कोर कार्ड के अनुसार इवेल्युएट करेगा और 30% वहां प्रेजेंट इंटरव्यू में आप कैसा करते हो इससे 100% आपका स्कोर कार्ड से और इंटरव्यू से बनेगा। पीएचडी में एडमिशन का रास्ता ऐसे खोला जा रहा है। और थोड़ा सा देखिए, फॉर पीएचडी For admission to PhD, the marks obtained in a NET by the candidates in Category 2 and Category 3 will be valid for a period of 1 year from the date of declaration of the results of UGC NET. स्पष्ट है, UGC NET जिस दिन डेट रिजल्ट घोषित करता है वहां से एक साल तक वैलिडिटी रहेगी। एक साल तक जो भी PhD के फॉर्म आएंगे उसके लिए आप Category 2 और 3 में अप्लाई कर सकते हैं, Category 2 और 3 वाले अप्लाई कर सकते हैं। The result of the NET will be declared in the percentile along with the marks obtained by the candidates to utilize the marks for the admission of PhD. एक अच्छी बात यह है कि अभी तक percentile दिया जा रहा था, अब marks भी दिया जाएगा। तो percentile और marks दोनों से आपका result बनाया जाएगा। इससे फायदा ये होगा ना कि marks के आधार पे हम evaluation करेंगे, percentile के आधार पे evaluation नहीं हो पा रहा था क्योंकि percentile किसी एक session में क्या growth है ये दिखाता है among उस session में जितने लोग हैं, जबकि marks आपके overall growth को, overall knowledge को display कर
करता है। अब 70% मार्क्स का उसी से इवैल्यूएशन करना है तो मार्क्स देना कंपलसरी हो गया था, इसलिए आयोग ने ये कह दिया कि परसेंटाइल और इसके साथ-साथ हम मार्क्स दोनों देंगे, तो परसेंटाइल और मार्क्स दोनों होगा। द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु विल बी क्वालिफाइड फॉर एडमिशन टू द पीएचडी ओनली विल बी डिसाइडेड बाय द रिजल्ट्स कमिटी। अब यहां पर कितने लोग पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं ये कमिटी द्वारा डिसाइड किया जाएगा। ये पूरा जो कहा जाए एक बेहतर चेंजेस आया है जो मैंने भी आपको यहां पे चर्चा किया। तो वापस लौटते हैं, मैंने आपको पीएचडी में एडमिशन के संदर्भ में जानकारी दे दी, जेआरएफ क्या है ये बता दिया, नेट क्या है ये भी बता दिया। अब देखें तो एकदम साफ है, नेट एक एलआईसी है जो जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, कैसे जिंदगी के साथ और जिंदगी के बाद, यानी कि आप कुछ टाइम तक आपको जेआरएफ मिला हुआ है, 5 साल तक आपको स्कॉलरशिप मिल गया, एक तो जिंदगी के साथ ये हो गया, जिंदगी के बाद यानी फॉर एवर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल है। कोई प्री नहीं देना, कोई मेंस नहीं देना, कोई इंटरव्यू नहीं देना है, आप जीवन भर एलिजिबल रहेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। सो यह पॉइंट के हिसाब से यहाँ पर नेट और पीएचडी इंपॉर्टेंट रखा गया। मैं आपसे चर्चा करता हूं कि हम कैसे असिस्टेंट प्रोफेसर की सीढ़ी चढ़ते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए हमें क्या क्या कौन कौन से पायदान पे चढ़ना होता है। जब एक बंदा नेट क्वालिफाइड हो जाता है तो वह असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकता है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ये सीढ़ी बनाई गई है, सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर, उसके बाद उसका प्रमोशन होकर वो एसोसिएट प्रोफेसर होता है, देन वो प्रोफेसर होता है, देन आफ्टर यहां पर एचओडी, देन डीन, इसके बाद डीन के बाद यहां प्रो वाइस चांसलर, और फाइनली जो पीकेस्ट पोजीशन आता है वो चांसलर वाइस चांसलर का आता है। ये होता है पदाधिमान जो नेट होने के बाद व्यक्ति सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ता है। अब अगर हम शिक्षण व्यवस्था में नीचे जाएं तो इसके नीचे लेक्चरर होता है जिसका नेट से संबंध नहीं है, और इसके नीचे जाएं तो टीचर होता है, और इसके नीचे जाएं तो असिस्टेंट टीचर से शुरुआत हो जाती है शिक्षण स्तर पे, जहां तक मेरी एक सामान्य जानकारी है उस संदर्भ में मैं बता रहा हूं, और ये थोड़ा अलग अलग राज्यों में थोड़ा डिफरेंस भी है। यहां पे मैं अगर रखूं तो प्राइमरी शिक्षक के रूप में कक्षा 1 से 5 तक का शिक्षक, टीचर के रूप में 6 से 10 तक का टीचर, लेक्चर 11वीं 12वीं का शिक्षक नियुक्त होता है। क्वालिफिकेशन जनरली बीटीसी लेवल की स्टडी होती है, यहां पर बीएड को और यहाँ पर पीजी को यानी एमए को महत्व दिया जाता है, जिसके लिए यहाँ पीजीटी की परीक्षा होती है, यहाँ टीजीटी की परीक्षा होती है, और इस तरह से टेट सीटेट सुपर टेट तमाम परीक्षाओं का यहाँ घेरा होता है। इस लेवल पे सैलरी की बात करें तो एक अप्रोक्सीमेटली सैलरी बता रहा हूँ 40 के आसपास होता है, 50 के आसपास होता है, 60 के प्लस होता है, यानी 40-50-60 के रेंज में चल रहा होता है। असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो यहाँ क्वालिफिकेशन नेट मांगा जाता है, नेट हो या पीएचडी दोनों ही एलिजिबल हैं असिस्टेंट प्रोफेसर होने के लिए। असिस्टेंट प्रोफेसर यहां पर सीधा यूजी और पीजी लेवल डिग्री कॉलेज यूनिवर्सिटीज में पढ़ाने के लिए एलिजिबल है। अब यहां पर अगर हम देखें तो सैलरी लगभग 80 प्लस के आसपास स्टार्ट हो जाती है। अब अच्छी खासी रेंज है, क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर रैंक हो जाता है, और इस स्तर पर एक अच्छा ग्रोथ होता है। आगे की बात करें तो यहाँ लगभग 8000 कैट पर हर साल इंक्रीमेंट हो रहा है, और इंक्रीमेंट होते होते ये लगभग 1.60 के आसपास पहुंच जाता है। 8 इयर्स के साथ ये ग्रोथ होता है, 2 साल यानी और उसके बाद प्रोफेसर होता है,
तो ये लगभग 170 या 130 80 के आसपास होता है। हम सीधी बात करते हैं ऊपर लगभग 3-4 लाख के आसपास बढ़ने लगता है, तो हाई सैलरी यहाँ पर रेंज जाता है। वाइस चांसलर की गौरव अपने आप में होता है, क्योंकि केंद्रीय विश्वविद्यालय में कोई अगर वाइस चांसलर है और केंद्रीय विश्वविद्यालय के चांसलर की बात करें तो राष्ट्रपति होता है। अब फैक्ट समझिएगा, ऐसा पोजीशन इस प्रकार से कि असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर, एचओडी, डीन, प्रो वाइस चांसलर, वाइस चांसलर आप बनते हैं और आपका हेड कौन होगा एक दिन, राष्ट्रपति होगा। इससे ज्यादा गौरवान्वित बात क्या हो सकती है। आप क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर रैंक बनते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, जिसके लिए मात्र नेट काफी है और नेट के अलावा आपको कुछ नहीं करने की जरूरत है, नेट इनफ है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, 80+ सैलरी पाने के लिए। लेकिन जब आप नेट क्वालिफाइड हो जाते हैं, आपका प्रमोशन होता है, तो जब आप एसोसिएट प्रोफेसर बनते हैं तो एसोसिएट प्रोफेसर के लिए पीएचडी कंपलसरी है। इस पॉइंट से यहां पर ध्यान से समझिएगा कि नेट काफी है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, लेकिन अगर हमें पीएचडी करना है, अगर हमें एसोसिएट प्रोफेसर बनना है यानी प्रमोशन लेना है, तो हम बिना पीएचडी के नहीं हो सकते। यानी स्पष्ट है कि हमें इस पीरियड में पीएचडी करना होगा या हम पहले से पीएचडी करें। इसीलिए नेट और पीएचडी दोनों ही करना है, यह मान के चलना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा शायद ही कोई हो ये जो ये चाहे कि हम नेट टू क्वालिफाइड हो जाए पर हमारा प्रमोशन ना हो पाए। तो हमारा प्रमोशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो प्रमोशन के पॉइंट ऑफ से देखा जाए तो हमें पीएचडी करना पड़ेगा, नेट क्वालिफाई हो उसके बाद हम पीएचडी करें, एक चीज। दूसरी बात है कि एसोसिएट प्रोफेसर से फिर हम प्रोफेसर होते हैं, लगभग सैलरी बढ़ते बढ़ते हमारी 2 लाख के आसपास यहाँ पहुँच जाती है और फिर इससे बढ़ते हुए 3-4 लाख के रेंज में हम वाइस चांसलर के पद पे पहुँच जाते हैं। ये मैंने आपको क्रम बताया कि किस तरीके से हम नीचे से ऊपर तक शिक्षक वर्ग में जा सकते हैं, और हमारी बिगिनिंग यहाँ से अगर होती है तो हमारे आसमान है, लेकिन अगर हम यहाँ से बिगिन करते हैं तो हम बहुत अधिक प्रमोशन पाके केवल प्राइमरी टीचर या प्राइमरी कॉलेज या प्राइमरी टीचर प्राइमरी कॉलेज में प्राइमरी विद्यालय में प्रिंसिपल बन जाएंगे। हाँ, अगर हम लेक्चरर बनते हैं तो इससे ऊपर प्रमोशन यही होगा कि हम प्राइमरी इंटर कॉलेज में एक प्रिंसिपल हो जाएंगे। इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल बस इक्वल स्टेटस पाएगा असिस्टेंट प्रोफेसर। अब असिस्टेंट प्रोफेसर की एज 21 और इंटर कॉलेज की प्रिंसिपल की एज क्या है, जनरली वो 50+ में होगा, 50+ में कोई इंटर कॉलेज का प्रिंसिपल बन रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि सीधा बिगिनिंग हमारी इस पोजीशन से होती है, और असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ जब हम बनते हैं नेट क्वालिफाइड होना ही काफ़ी हो जाता है, तो नेट पीएचडी इस क्रम में हम ऊपर बढ़ते हैं। ये मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हमारा सिलेक्शन, किस तरह से हमारा एक दायरा है जो असिस्टेंट प्रोफेसर से बनकर वाइस चांसलर तक हम जा सकते हैं। अब चर्चा करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर पे। सिलेक्शन प्रोसीजर, एक बंदा नेट क्वालिफाइड हो जाता है तो उसके सामने दो दरवाजे खुल जाते हैं, सबसे पहले कमीशन और दूसरा यूनिवर्सिटीज। कमीशन में 3 कमीशंस हैं जो उसका, जहां से वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकता है, एक स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, दूसरा स्टेट हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट और बोर्ड और कमीशन, और तीसरा यूपीएससी। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जैसे राज्य लोक सेवा आयोग, ये भी विभिन्न विषयों में साल भर वैकेंसीज निकालता रहता है, देश के हर राज्य में लगभग ये वैकेंसीज आती रहती हैं। जैसे अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में वैकेंसीज और बढ़ाई गई, 51 नंबर वैकेंसीज में सुनने में आ रहा है कि संख्या 4,000 से 5,000 होने जा रही है, ये एक वैकेंसी स्टेट की वजह से हो रहा है। इसी तरीके से हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट और यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग भी वैकेंसीज निकालता है। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज भी वैकेंसीज निकालते हैं, वो यूनिवर्सिटीज जो ऑटोनॉमस स्तर पे हैं। अब देश में कितनी यूनिवर्सिटीज हैं, तो 1,113 यूनिवर्सिटीज हैं, और इसमें लगभग आधी यूनिवर्सिटीज जो है ऑटोनॉमस स्तर पे हैं, तो ये भी वैकेंसीज निकालती हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, BHUDU, JNU, ये सब ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटीज हैं। अब इनकी स्थिति और इनकी स्थिति में अंतर ये है कि अगर आपका सिलेक्शन कमीशन से होता है तो आप क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर रैंक प्राप्ति करते हैं, जबकि यहाँ आपको गजेटेड ऑफिसर नहीं बनाया जाता है, इस वाले में आपको गजेटेड ऑफिसर का रैंक मिलता है। प्रोसीजर सैलरी दोनों में समान होता है, प्रोसीजर यहाँ ये होता है कि यहाँ एक रिटन फॉलोड बाय एन इंटरव्यू,
यानी यहाँ एक रिटर्न होगा और उसके बाद एक इंटरव्यू होगा। रिटर्न की परीक्षा आपको निकालनी पड़ेगी, आप वेदर नेट हो या जेआरएफ हो। रिटर्न की परीक्षा में अगर हम यूपी की हायर एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पे 70 क्वेश्चन आपका सब्जेक्ट का आता है और 30 क्वेश्चन जीएस का आता है। ये जो 70 क्वेश्चन सब्जेक्ट का है, इसका सिलेबस यूजीसी नेट के सिलेबस के इक्वल है, यानी जो यूजीसी नेट का सिलेबस है वही इसका सिलेबस है। तो इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप जो पढ़ाई कर रहे हो उसको बेहतर रूप से पढ़ो, सब्जेक्ट्स के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम अपने विषय में, समाजशास्त्र में, और हमारी जो अन्य टीम है अपने अपने विषय में महारत है, सुपर हमारी टीम है, जिसे कहा जाए कि देश की उच्चतम टीम जो नेट जेआरएफ की हमने गठित की है, वो आपको इस चैनल के माध्यम से, हमारे माध्यम से यहाँ क्लासेस देंगे। और इस प्रकार से प्रिपरेशन हो जाएगा कि हायर की तैयारी नेट के साथ आपका हो जाए और 70 क्वेश्चन में आपकी अच्छी पकड़ हो जाए। 30 क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं जीएस का, तो देखने में मात्र 30 है, लेकिन ये 30 नहीं, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन से ही सिलेक्शन रुक जाता है। इस 30 क्वेश्चन के जीएस की बात किया जाए तो इसमें भी दो भाग बांटेंगे। 70% जो आपका सिलेबस है जीएस का, वो नेट के फर्स्ट पेपर के कवर करता है, यानी फर्स्ट पेपर जो अगर आप पढ़ते हैं, फर्स्ट पेपर जो मैं आपको पढ़ाता हूं, फर्स्ट पेपर में आपका 70% सिलेबस कवर हो जाता है। लेकिन इसके बाद भी 30% सिलेबस ऐसा है जो कि नेट के फर्स्ट पेपर में कवर नहीं हो सकता, नहीं हो पाता। इसके लिए मैं अलग से प्रिपरेशन कराता हूं। जो बच्चे हमसे चाहते हैं कि वो इस जीएस के सेक्शन को प्रिपेयर करें, इनके लिए मैं अलग से प्रीमियम बेनिफिट्स के रूप में एक अलग सेक्शन चलाता हूं। वीक में इनमें एक स्पेशल क्लास होता है जिसमें नेट क्वालिफाइड बच्चे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और ये अलग से एक सेक्शन जिसमें हायर एजुकेशन की कुछ सेक्शंस हैं, जिसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री, कल्चर, और इसके साथ साथ इंडियन इकोनॉमिक्स और इंडियन ज्योग्राफी, ये सारे सेक्शंस कवर होते हैं। ये 30% जीएस मैं अलग से आपका प्रिपेयर कराता हूँ। फर्स्ट पेपर मैं आपका 100% प्रिपेयर कराऊंगा। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट पेपर में जो आपका प्रिपरेशन है उसके तहत हायर एजुकेशन के 70% जीएस का कवरेज हो जाएगा। 30% जो जीएस छूटता है उसके लिए अलग से जो बच्चे चाहें वो ऐड कर सकते हैं, उनका भी मैं अलग से प्रिपरेशन कराऊंगा। तो यहाँ पर आपको मैंने रास्ता बताया, कमीशन से नेट है, पीएचडी है, फॉर्म आया, आपने फॉर्म भरा, रिटन एग्जामिनेशन स्क्रीनिंग के रूप में होगी, स्क्रीनिंग की परीक्षा क्लियर करते हैं, फिर इंटरव्यू मिलेगा। इंटरव्यू में आप ठीक है, आपका नॉलेज है, सही है, तो आपका सिलेक्शन होगा और आप असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कायम हो जाएंगे। इस समय देखा जाए तो सबसे बढ़िया, सबसे सुरक्षित रास्ता यही है सिलेक्शन का, क्योंकि यहां पर योग्य व्यक्ति ही सिलेक्ट होकर इंटरव्यू पहुंचेगा। भ्रष्टाचार की जो बातें हैं यहां लगभग लगभग शून्य दिखाई देती है। हायर एजुकेशन का जो लेवल ऑफ स्टैंडर्ड है पेपर का, वो बहुत हाई होता है, यानी यूजीसी नेट के पेपर के स्टैंडर्ड से भी ऊंचे स्टैंडर्ड होता है। इसीलिए आपको नेट की तैयारी जब कर रहे हो तो इस हिसाब से करें कि हायर एजुकेशन के लेवल को लेकर चलें, नहीं तो नेट हो जाएगा और कई वर्षों तक आप बैठे रहेंगे, सिलेक्शन नहीं मिल पाएगा। वैकेंसीज बड़ी मात्रा में आती है, जैसे सपोज करिए कि उत्तर प्रदेश में 2000 वैकेंसी आई, मध्य प्रदेश में 2500, राजस्थान में 3000 वैकेंसी आई, 700 वैकेंसी झारखंड में आई, इस तरह से करके लोक सेवा आयोग से, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से, उच्च शिक्षा सेवा चयन आयोग से और यूपीएससी से समय समय पे ढेरों वैकेंसीज आती रहती है, जिनकी संख्या हम देखें तो लगभग लाखों के ऊपर निकल जाती है। तो अच्छी खासी संख्या देश भर में आती है और एक वर्ष में आपको अच्छी खासी वैकेंसीज मिलती है। सिविल की तुलना में देखा जाए तो मात्रा जो वैकेंसीज के यहाँ ज़्यादा है, यहाँ स्कोप जाता है, और इसके लिए आपको कई स्तरित परीक्षाएं नहीं देनी है, केवल एक रिटर्न परीक्षा देना है। नेट है या पीएचडी है, एक रिटर्न परीक्षा निकालिए और इंटरव्यू दीजिए। सैलरी इक्वलेंट टू एक सिविल ऑफिसर की इक्वल की एक सैलरी है। स्टेटस क्लास वन ऑफिसर, गजेटेड ऑफिसर रैंक है, इससे बेहतर और कोई विकल्प नहीं हो सकता। मैंने ये देखा है कि शिक्षण का जो क्षेत्र है ये बहुत बेहतर है, इसमें सम्मान भी है और इसमें आर्थिक तंत्र भी मजबूती प्रदान होता है। अर्थव्यवस्था में, शिक्षण में हर स्तर पे अच्छा पेमेंट है, अच्छी सैलरी है। प्राइवेट शिक्षण संस्थान में भी अगर आप जाते हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में पढ़ाते हो, वहाँ भी आपके नॉलेज को सम्मान मिलता है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज कुछ ऐसी हैं जो कई गुना ज़्यादा सरकारी तंत्र से भी
वैकेंसी पेमेंट ज्यादा दे रहे हैं। तो इस पॉइंट ऑफ से देखा जाए तो यहां पर आपका नॉलेज आपको अपार संभावनाएं दिलाता। अब बात करता हूं यूनिवर्सिटी लेवल पे सिलेक्शन के प्रोसीजर का। तो यूनिवर्सिटीज के लेवल का जो ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे मैंने भी आपको कहा ऑटोनॉमस में इलाहाबाद बीटीयू डीयू ये सब कुछ आएगा, वो सब ऑटोनॉमस में आएंगे। ऑटोनॉमस का मतलब होता है ऐसे शैक्षणिक संस्थानें जो प्लानिंग बनाने में स्वायत्त हैं, यानी अपनी योजनाओं को बनाने में स्वायत्त हैं, अपने सिलेक्शन प्रोसीजर्स को करने में स्वायत्त हैं, उन्हें किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं होती, वो संप्रभु हैं, वो अपना सारा प्रोसीजर खुद अपना सकते हैं, तो उन्हें ऑटोनॉमस कहा जाता है। ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटीज में अब यहां वैकेंसीज काफी बढ़ने जा रही है, क्योंकि हाल ही में सरकार द्वारा एक अभी वैचारिकी बनाई गई जिसमें गेस्ट फैकल्टीज को लगभग एंड किया जा रहा है और परमानेंट फैकल्टीज भर्ती की बातें रखी गई। इस तरह से परमानेंट फैकल्टी की सेक्शंस बढ़ाए जा रहे हैं। कुछ विश्वविद्यालय ऐसे जिसमें काफी बड़े पैमाने पे वैकेंसीज भर्ती नहीं हुई, वो भी अब इसमें भर्ती हो रहे हैं। इस रास्ते में वैकेंसीज की संख्या बहुत अपार है, यहाँ पे मैं समझता हूँ 1-2 लाख वैकेंसीज देश भर में आ रहे हैं। देश भर क्यों? क्योंकि नेट क्वालिफाइड हो गए ना, तो देश भर में कहीं भी अप्लाई कर सकते हो आप, यहां से जम्मू कश्मीर तक भी अप्लाई कर सकते हो, हर जगह हर राज्य में आप एलिजिबल हो, नेट कर लिया एलिजिबिलिटी बन गई, तो नेट सब कुछ हो जाता है। यहाँ पे पॉइंट समझिएगा, ऑटोनॉमस स्तर पर विश्वविद्यालय में आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ जो प्रोसीजर होता है वो रिटन एग्जामिनेशन ना के बराबर, शायद ही कोई यूनिवर्सिटी ले, जनरली यहाँ पर इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाता है। यानी ध्यान से समझिएगा, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो या कॉलेजेस में अप्लाई करते हो, यहाँ पर इंटरव्यू से सिलेक्शन होना है। इंटरव्यू इंपॉर्टेंट बात है, नो रिटन, डायरेक्ट इंटरव्यू। अब इंटरव्यू की बात की जाए तो इंटरव्यू में क्या प्रोसीजर अपनाया जाता है, तो यहाँ पर एपीआई का प्रोसीजर अपनाया जाता है, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर, इसके द्वारा आपको सिलेक्शन मिलता है। एपीआई क्या है, मैं एक सैंपल एपीआई आपको दिखा रहा हूं। इस एपीआई के अंतर्गत एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जनरली है, यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा होता है एपीआई का, रिसर्च पेपर पब्लिश्ड इन जर्नल्स, रिसर्च पेपर्स पब्लिश्ड कराया है आपने कहां पर, अगर हम आर्ट ह्यूमैनिटीज सेक्शन में जाएं तो यहां पर रिफर्ड जर्नल में आपके अगर रिसर्च पेपर पब्लिश्ड हुए हैं तो एक पेपर पे 15 पॉइंट तक एपीआई का मिलता है। अब समझने वाली बात है, 15 पॉइंट एपीआई। अब इस तरह से हम कितने पेपर्स पब्लिश करा सकते हैं, तो पेपर्स तो आप अपने अनलिमिटेड पब्लिश करा सकते हैं, अनडाउटली इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर जब आप कहीं अप्लाई करते हैं तो एप्लीकेशन के समय टॉप 5 बेस्ट पेपर्स आप लगाते हो, आयोग कॉलेज या यूनिवर्सिटीज डिग्री कॉलेजेस सभी बेस्ट 5 की मांग करते हैं। तो इस तरह से देखें तो 15 × 5 यानी आप लगभग 75 पॉइंट्स एपीआई का यहां पर बना सकते हैं, और इससे रिसर्च पेपर पब्लिकेशन के माध्यम से अच्छे खासे पेपर से पॉइंट बनाए जा सकते हैं। पेपर कब लिखा जा सकता है, जब आप पीजी में एडमिशन ले चुके हो, यानी आप विलंब कर चुके हो, अगर आप पीजी कंप्लीट कर चुके हो, आप ये सोचते हो कि हम पीएचडी करेंगे तभी रिसर्च पेपर लिखेंगे, तो गलत सोचते हैं। आप रिसर्च पेपर लिखना पीजी में एडमिशन के साथ शुरू कर सकते हैं, उसके बाद इसे पब्लिकेशन करा सकते हैं। यूजीसी रिफर्ड की बहुत से जर्नल्स है जहां ये पब्लिश होती है, आपको अच्छा पॉइंट्स मिल सकता है। तो पेपर्स लिखने की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, अगर आप नेट हैं तो बहुत जरूरी है, और नेट नहीं भी है पीजी है तो पेपर लिखना शुरू कर दीजिए। अब आपके मन में आ रहा होगा सर पेपर्स कैसे लिखा जाता है, तो उसके लिए आप चिंतित मत हो, मैं पब्लिकेशन के सभी कार्यों को आपको समय समय पे अगर आप इच्छा रखेंगे तो मैं उसके लिए स्पेशल वीडियोस बनाकर आपको बताऊंगा। मैं रिसर्च पेपर लिखना भी आपको सिखाऊंगा, रिसर्च पेपर कैसे लिखा जा सकता है, उसकी क्या व्यवस्था है, किस तरह से रिसर्च पेपर होते हैं, कुछ सैंपल रिसर्च पेपर्स भी मैं आपको दिखाऊंगा। आज उतना समय नहीं है, फिर किसी वीडियो में मैं रिसर्च पेपर पर पूरी चर्चा करूंगा, हाउ टू राइट अ रिसर्च पेपर, रिसर्च पेपर के सारे कंटेंट्स को। वैसे भी जब आप मुझसे फर्स्ट पेपर पढ़ेंगे तो रिसर्च एप्टीट्यूड यूनिट आएगा, उसमें रिसर्च पेपर लिखना, आर्टिकल लिखना, सेमिनार कैसे कंडक्ट किया जाता है, रिपोर्ट राइटिंग कैसे किया जाता है, थीसिस वर्क कैसे लिखा जाता है, पीएचडी थीसिस कैसे लिखी जाती है, सब मैं आपको सिखाऊंगा।
इसलिए ये रिसर्च पेपर स्किल्स मैं आपको गाइड करता रहूंगा। इसके अलावा और भी चीजें जो आपको पॉइंट्स दिला सकती हैं वो है रिसर्च पब्लिकेशन, बुक्स, चैप्टर्स इन बुक्स। अगर कोई आपने बुक पब्लिश कराया है, बुक्स में कुछ आपने सोल राइटर में है तो आपको लगभग 50 पॉइंट्स सोल राइटर पे मिलता है। अगर लोगों के साथ मिलके किया है 25 प्लस 5 चैप्टर या एक आध चैप्टर आपने लिखा है तो 10 पे। एडिटेड बुक्स है, इस तरह से आपको पॉइंट्स बुक से भी मिलते हैं। इसके अलावा बहुत से अन्य चीजें, जैसे आपने कोई सेमिनार कॉन्फ्रेंस ज्वाइन किया है इंटरनेशनल नेशनल लेवल का, ये सारी चीजें, तो ये पेपर्स के लिए आपके पॉइंट्स को देखा जाए। जैसे इंटरनेशनल सेमिनार है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आपने रिफ्रेशर कोर्स ज्वाइन किया है 20 पॉइंट 10 पॉइंट 10 पॉइंट, अगर आपने किसी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन किया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन किया है, रीजनल लेवल के कॉन्फ्रेंस को लेवल के, स्टेट लेवल के, यूनिवर्सिटी लेवल पे 3 पॉइंट 10 पॉइंट, ऐसे बहुत से लेवल के अलग अलग तरीके के सेमिनार कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप रिफ्रेशर कोर्सेज, इनसे आपको पॉइंट्स मिलता रहता है। तो ये मैंने आपको बताया कि कैसे एपीआई मजबूत करा जा सकता है। अब आप नेट हो जाए या नेट नहीं भी है, मात्र पीजी में एडमिटेड हैं, आप अपना एपीआई मजबूत करना शुरू कर दीजिए। विभिन्न प्रकार के सेमिनार कॉन्फ्रेंस को अटेंड करिए, वहां रिसर्च पेपर लिखिए, पेपर्स को पब्लिश कराइए, यूजीसी रिफर जनरल में अपने पेपर्स भेजिए। पीएचडी में इसका बड़ा योग है, क्योंकि जब आप रिसर्च कर रहे होते हैं तो उस समय आपके 2 रिसर्च पेपर पब्लिश होने चाहिए यूजीसी रिफर में, और कुछ विश्वविद्यालयों के संदर्भ में 2 पेपर किसी सेमिनार में भी पब्लिश होना चाहिए। तो इस तरह से 4-5 रिसर्च पेपर तो आपकी नीड है ही, और 5 रिसर्च पेपर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नीड पड़ती ही पड़ती है। रिसर्च पेपर्स इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और इस फील्ड में पब्लिकेशन कराना एक प्रकार से अनिवार्य हो जाता है जिस फील्ड में आप आ रहे हो। तो यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के पॉइंट ऑफ से प्रमोशन में भी देखें तो असिस्टेंट प्रोफेसर हो जाने के बाद भी आपको साल में 2 पेपर्स पब्लिश कराने हैं। अब बहुत सी नियमावली धीरे धीरे बदल रही हैं, बहुत सी चीजें जरूरी होती चल रही हैं, तो इसलिए इन सब बातों को यहाँ पर गौर फरमाने की आवश्यकता है। मैंने आपको यहाँ पर एपीआई बताया, अब मैं नोट्स पे चलता हूँ। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिएगा, सेलेक्शन के प्रोसीजर के पॉइंट ऑफ से मैं आपका ये जीएस का सेक्शन भी स्ट्रॉन्ग कर दूंगा। रिसर्च पेपर कैसे लिखा जाता है, रिसर्च पेपर लिखने के लिए मैं अलग से क्लासेस चलाऊंगा, रिसर्च पेपर राइटिंग स्किल सिखाऊंगा, प्रीमियम बेनिफिट के स्पेशल बैच के अंतर्गत मैं रिसर्च पेपर की स्किल्स भी आपको दूंगा, रिसर्च पेपर को सैंपल कराऊंगा, यानी मैं आपके लिए नेट की तैयारी कराऊंगा और साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो तमाम चीजें, इनकी भी प्रिपरेशन कराऊंगा। ये उन सब बच्चों के लिए भी आवश्यक है जो नेट क्वालिफाइड है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सीकर्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, फॉर्म भर रहे हैं, और साथ ही साथ जो भविष्य में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, पीजी कर रहे हैं, उनके लिए भी एक जरूरी प्रक्रम है। या एक चीज और बता देता हूं, इस लेवल में यानी कमीशन से जो वैकेंसीज निकलती हैं इनके लिए नो एज लिमिट्स, यानी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं कोई एज लिमिट नहीं है, ठीक है। लेकिन आप यहां के लिए तो मैं आपको बता दूं लगभग 40 के प्लस 40 के आसपास यहां समाप्त हो जाता है। यानी एक अच्छी बात, जो सबसे अच्छी बात है, हमारी योग्यता व्यर्थ नहीं जाती। अगर हमने नेट क्वालिफाइड कर लिया है तो नो एज लिमिट का मतलब क्या है, रिटायरमेंट की एज क्या होती है असिस्टेंट प्रोफेसर की या प्रोफेसर की, 65 साल। तो हायर में 65 साल तक रिटायरमेंट हो रहा है, तो 65 साल तक हम अप्लाई कर सकते हैं। अब इससे ज्यादा तो कोई जरूरत ही नहीं रह जाती, क्योंकि फिर तो हम रिटायर ही हो चुके हैं। तो इसीलिए कहते हैं ना, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, तो पूरे लाइफ आपका साथ देता है अगर आप नेट क्वालिफाइड हो जाते हैं। नेट क्वालिफाइड होने के बाद आपके सामने सारे रास्ते खुल चुके हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, कैसे कैसे किस तरह से हम अपना प्रिपरेशन करें, हर बात आपके सामने खुल जाता है। तो किस तरीके से नेट करना है, नेट करने से हमें क्या क्या लाभ है, और कैसे प्रोफेसर बना जाता है, ये सारी चीजें मैंने आज आपको इस वीडियो के माध्यम से दिया। मैंने आपको पूरी चीजें यहाँ पे कवर किया कि कैसे आपको नेट क्वालिफाइड होना है, नेट क्वालिफाई करने के लिए क्या रास्ता है। मैंने शुरुआत में ही आपको बताया कि अगर आप नेट क्वालिफाइड होना चाहते हैं, आपको यह चीज भी बता देता हूं, मिनिमम एलिजिबिलिटी है एमए का 55% मार्क्स होना। एक बात को ध्यान रखिएगा, अदर कैटेगरीज के लिए एससी एसटी पीएच वीएच और ओबीसी, इनके लिए 50% है, जनरल्स के लिए 50%, पर जनरल महिलाओं को भी इसमें छूट नहीं है, उन्हें भी 50% है। तो नेट अप्लाई करने के लिए, नेट का फॉर्म भरने के लिए 50% होना चाहिए।
दूसरी बात, नेट आप तब फॉर्म भर सकते हैं जब आपका प्रीवियस यानी एमए का पहला साल कंप्लीट हो चुका हो। इस संदर्भ में देखा जाए तो एमए फर्स्ट ईयर का बच्चा डाल सकता है। अब यहां पे कई बार कई लोगों को गलत फहमियां हैं, उसको भी थोड़ा क्लियर कर देता हूं। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हमने एमए का फॉर्म भर लिया तो हमने एक सेमेस्टर कंप्लीट किया है या नहीं सेमेस्टर किया तो ही हम एमए तो भी हम नेट का फॉर्म भर देते हैं। भर भी देते हैं, कारण क्या है कि उसमें कोई वेरिफिकेशन नहीं होता, ऑनलाइन पे फॉर्म भरना होता है, अपीयर्ड कॉलम से आप भर देते हैं। लेकिन एक्चुअली क्या है वो गलत है, अपीयर्ड कॉलम से आप नहीं भर सकते। अपीयर्ड कॉलम का मतलब है कि आपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया हो और फिर आप नेट का एग्जामिनेशन दे सकते हो। अब आपके इस मन में एक बात आ रहा है कि मान लीजिए हमने फाइनल ईयर में नेट निकाल लिया और हम फाइनल ईयर फेल हो गए या हमारा 55% मार्क्स नहीं बन पाया या 50% कैटेगरी के अनुसार नहीं बन पाया तो क्या होगा, हमारा नेट व्यर्थ हो जाएगा? नहीं, आयोग ये कहता है कि एक साल का आपको और वक्त दिया जाएगा। अगर आप नेट हो जाते हो और आप एमए फेल हो जाते हो, फाइनल ईयर फेल हो जाते हो या आपका परसेंटेज नहीं बन पाता तो एक साल और समय आपको मिलेगा, आप अपना पीजी पास हो जाइए या परसेंटेज मेंटेन कर लीजिए। इस पॉइंट आपसे देखा जाए तो एक बहुत बेहतर विकल्प नेट, आप स्टार्टिंग से तैयारी कीजिए और लगकर कीजिए, पहले साल से इसकी प्रिपरेशन करिए। पहले साल से इसलिए क्योंकि एक अच्छी खासी सतत परीक्षा पर इसका सिलेबस है, छोटा सिलेबस नहीं है, बड़ा विहंगम सिलेबस है। नेट के फर्स्ट पेपर जिसको मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं आपको उसका सिलेबस भी यहां पर डिस्प्ले कर रहा हूं कि इसका सिलेबस कितना ज्यादा डेप्थ में है। ये देखिए, ये सिलेबस है जनरल पेपर का, मैं इसको और विशद वर्णन किसी और दिन करूंगा, बस अभी आपको सामान्य रूप से इसकी चर्चा कर दे रहा हूं। इसमें पहली यूनिट टीचिंग एप्टीट्यूड का है जिसमें बीएड के कंटेंट से क्वेश्चंस बनते हैं, बीएड एमएड के कंटेंट से काफी अच्छा खासा इसका सिलेबस है। इसके बाद इसमें सेकेंड यूनिट आता है रिसर्च एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड पूरा प्री पीएचडी कोर्स वर्क से बना हुआ है, पीएचडी के सारे कंटेंट्स पूछे जाते हैं, ये मान के चलते हैं कि आपको रिसर्च का अच्छा समझ होना चाहिए। इसके बाद संप्रेषण, जिसमें कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन की यूनिट जो है मास कॉम जर्नलिज्म से उद्घृत है, जिसमें मास कॉम जर्नलिज्म देखा जाए हाई स्कूल में भी बच्चा नहीं पढ़ता है, इससे अधिकतर समस्याएं यहां पर आती है हर बच्चों के सामने कम्युनिकेशन में। एक बात और बता दें, हर यूनिट से 5 क्वेश्चन आना सुनिश्चित है, आयोग ने बहुत ही प्लान रूप से पेपर बनाया है, 5 से 6 क्वेश्चन ऐसा नहीं है, 1-2 क्वेश्चन आगे पीछे हो जाता है, लेकिन एक सुनिश्चित व्यवस्था के अनुसार ये सिस्टम रखते हैं, 5 से 6 क्वेश्चन एक एवरेज, तो ये बहुत अच्छा पेपर है। इवन हम सिविल में भी ऐसे नहीं देखते कि हर खंडे से बराबर से पूछा जाए, लेकिन हर खंडे से बराबर से पूछे जाने का प्रयास यूजीसी नेट जेआरएफ की इस प्रथम प्रश्न पत्र में श्योर रहता है। प्रथम प्रश्न पत्र के लिए मैं कहूंगा, सोशियोलॉजी अन्य विषयों में ऐसा नहीं है, परंतु प्रथम प्रश्न पत्र में एक इक्वालिटी देखने को मिलता है। इसके बाद आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की यूनिट आती है, आईसीटी जो है इसमें आपको कंप्यूटर, सैटेलाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स ऐसे संबंधों पे प्रश्न आते हैं, ये मॉडर्न यू कहा जाए थोड़ा सा कंप्यूटर से ओरिएंटेड हो जाता है, कंप्यूटर असिस्टेड वर्क होता है तो थोड़ा सा टिपिकल पड़ता है सामान्य श्रेणी के बच्चों के लिए जिनका टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है, उनके पॉइंट ऑफ से ये मैं कोशिश करूंगा कि जो सामान्य समझ के क्वेश्चन आते हैं उस लेवल तक आपको इसको शिक्षण कर सकूं। इसके बाद पीपल एंड डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट की बात आती है जिसमें पूरा एनवायरमेंटल साइंस से भरा हुआ है। अब आप समझ सकते हैं एनवायरमेंटल साइंस पूरा एक विषय होता है। अब इसमें एक स्ट्रेटेजी से पढ़ाऊंगा जिसमें इस विषय के अंतर्गत जो इंपॉर्टेंट बिंदु के क्वेश्चन अब तक इधर 20 वर्षों से उठाए जा रहे हैं उनके अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी से पढ़ाया जाए जिससे कि बहुत ज्यादा ना पढ़ना पड़े और कम में ही हमारा सिलेक्शन होने के चांसेस हो सके। इसके बाद जो अगली यूनिट है हायर एजुकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है उच्च शिक्षा, क्योंकि उच्च शिक्षा में आपको जाना भी है और ये इंटरव्यू के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है हायर एजुकेशन, तो इसलिए यहां डिटेल में काफी गहराई से हर सेक्शन यूजीसी सीएसआईआर नेट एनटीए सारी इकाइयां देश में पहले प्राचीन भारत से लेकर और आज वर्तमान तक में ओरिएंटल क्षेत्र में जो भी उच्च शिक्षा में बदलाव आता रहा, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज, एफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज, सारी यूनिवर्सिटीज, हर चीजों के ऊपर यहाँ पर विहंगम चर्चा करूंगा। इसके बाद मैथ्स एंड रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, अब देखिए
थोड़े दिन पहले तक मैथ्स नहीं था, सिर्फ रीजनिंग था, लेकिन अब इसमें मैथ्स भी जोड़ दिया गया है। मैथ्स के 7 अध्याय हैं और रीजनिंग के 4 अध्याय हैं। कुल 11 अध्याय यहां पर पढ़ाना होगा, जो मैं आपको क्लास में इसको समझाऊंगा। इसके बाद लॉजिकल रीजनिंग, जो लॉजिक से रिलेटेड है, यहाँ पे इंडक्टिव लॉजिक, डिडक्टिव लॉजिक, वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न, बहुत सी चीजें इसके अंतर्गत रखी जाती हैं। इसके बाद डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन लगभग कॉमन हो चुका है, हर परीक्षा में इसे एक टेबल आता है और उससे 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। कुछ ट्रिक्स हैं जो मैं आपको सिखाऊंगा, जिससे कि डेटा इंटरप्रिटेशन बेहतर हो जाएगा। और फिर कॉम्प्रिहेंशन है। इसके अलावा अगर आप प्रीमियम ऐड कराते हैं, प्रीमियम बेनिफिट्स, जो जिसमें मैंने बताया हायर एजुकेशन का सिलेबस इसमें इंक्लूड हो जाता है, इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री, भूगोल, इतिहास और इकोनॉमिक्स वाले सारे सेक्शंस इसके अंतर्गत कराए जाते हैं। तो यहां पर मैंने आपको नेट के विषय में डिटेलिंग कर दिया। नेट क्या है? नेट करके हम असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, जिसके लिए सिंपल पीजी पास होना चाहिए 55% के साथ, अदर कैटेगरीज में 50% के साथ। अगर आप प्रीवियस ईयर कंप्लीट कर चुके हैं, नेट का एग्जाम दे सकते हैं। एज लिमिट कोई बैरियर नहीं है, आप मरने वाले दिन तक अप्लाई कर सकते हैं, खैर उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप इसको हमेशा अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद ज़ियारत क्या है? नेट में हायर मेरिट में अगर आते हैं तो आप जब पीएचडी ज्वाइन करेंगे तो पीएचडी में स्कॉलरशिप मिलेगी लगभग 40,000 के आसपास, और आपको 5 वर्षों में एक लगभग ज़ियारत के बाद आप एसआरएफ भी होंगे, सीनियर रिसर्च फेलोशिप पाएंगे, और एक टोटल अमाउंट लगभग 25 से 30 लाख के आसपास स्कॉलरशिप मिलती है जो यूजीसी देता है। तो नेट और ज़ियारत ये है। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए कमीशंस की वैकेंसी दिया जा सकता है या यूनिवर्सिटीज में इंटरव्यू दिया जा सकता है, डिग्री कॉलेजेस में इंटरव्यू दिया जा सकता है। एक बहुत अच्छा रास्ता, क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटीज और डिग्री कॉलेजेस वो कभी भी वैकेंसीज निकालते रहते हैं, इनका संबंध कमीशन से नहीं है, तो सरकार की गतिविधियों से भी नहीं है कि इलेक्शन आएगा तो ही वैकेंसीज आएगा। अगर अन्य क्षेत्रों में देखें तो बड़ा प्रभाव है इलेक्शन को लेकर के, सरकार की प्लानिंग पे चलता है, माध्यमिक आयोग बनाया जाएगा, ये आयोग बनाया जाएगा, अब ये वैकेंसी आएगी तब ये वैकेंसी आएगी, पर यहाँ पर क्या है, साल भर वैकेंसीज आती रहेंगी क्योंकि इस कॉलेज में एक वैकेंट वैकेंसी हुई, इंटरव्यू हो रहा है। यूनिवर्सिटी में साल भर दो साल में देखा गया इतनी वैकेंसीज आ गई, इंटरव्यू करा रहे हैं, क्योंकि उन्हें तो शिक्षण तंत्र से मतलब है, और चूंकि एक साथ इकट्ठा करके नहीं दे रहे इसलिए आपको भी विकल्प बहुत है। आप कल को ईस्ट यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में गए, जेएनयू यूनिवर्सिटी में, पीएचयू में गए, अलावा यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, उसके कॉलेजेस में जा रहे हैं, एसएस खन्ना, सीएमपी, ईश्वरचरण डिग्री कॉलेज कानपुर के, आप बनारस की यूपी कॉलेज, जहां भी हर कॉलेज में वैकेंसी निकल रही है, आप सिर्फ नेट हो गए, एक नेट हर मर्ज का इलाज। आपने नेट कर लिया तो आप हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर बनना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बट पीएचडी करेंगे तभी आपका प्रमोशन होगा। तो प्रोफेसर बनने के लिए नेट के साथ पीएचडी होना जरूरी है। पीएचडी कैसे, किस तरीके से, ये सब मैंने इस वीडियो में कंप्लीट किया। अब मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, जो भी लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, नेट के एस्पिरेंट्स, भावी भविष्य में जो योजना बना रहे हैं, नेट क्वालिफाइड हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए प्रयास कर रहे हैं, पीएचडी हैं, वो सभी लोग अगर जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो एक मूल सिद्धांत को गांठ बांध लें, वह ये कि संकल्प एक बना लें और विकल्प सभी हटा लें, तभी सिद्ध होंगे, तभी आप लक्ष्य के प्राप्त करेंगे। जिसने संकल्प नहीं बनाया, विकल्प बनाया, तो संकल्प सिद्ध नहीं होगा। यानी स्पष्ट है कि जहां संकल्प है वहां विकल्प का कोई स्थान नहीं, और जहां विकल्प है वहां संकल्प की आवश्यकता नहीं होता, तो संकल्प कभी सिद्ध नहीं होता। ये टैगलाइन लेकर के एक काम को करिए, बेहतर रूप से करिए, हमेशा आप सफल होंगे। तो इसी के साथ आज इस क्लास को मैं समापन करूंगा। जल्द ही मैं और भी कुछ नए कंटेंट्स के साथ, नेट के फर्स्ट पेपर पे संपूर्ण विवेचना डिटेल्स के साथ, प्रथम प्रश्न पत्र में कैसे पढ़ा जाए, स्ट्रेटजी क्या है, यूनिट वार कैसे एनालिसिस करना है,
इन पर चर्चा करूंगा। कुछ और भी महत्वपूर्ण बिंदु जो आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से जरूरी है, मैं समय समय पर आपके साथ लेकर आता हूं। मैं एक बार पुनः बता दूं, ये टारगेट अर्न परिवार का एक चैनल है जो टारगेट नेट जेआरएफ के नाम से रन हो रहा है। इसके विषय में कुछ चीजें हैं जो लिंक्ड पॉइंट से मैं आपको बता देना चाहता हूं। कल इससे संदर्भ में और चर्चा हुई थी। ये टारगेट नेट जेआरएफ इस चैनल को आप सब लोग सब्सक्राइब कर लें। मेरा सतत रूप से जो प्रैक्टिस सेशन चलेगा, जो एजुकेशनल सेशन चलेगा, क्लासेस अधिकतर मैं इसी चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करूंगा। टारगेट नेट जेआरएफ आप सब लोग उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये एक यहां पर संस्था द्वारा क्यूआर कोड भी दिया गया है, आप डायरेक्ट क्यूआर कोड करके सीधा हमारे चैनल पे लिंक प्राप्त कर सकते हैं। हमारा ये टेलीग्राम चैनल है, आप इस क्यूआर कोड के माध्यम से, दिख रहा होगा आपको क्यूआर कोड के माध्यम से इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिससे आपकी बहुत सी इश्यूज, डिस्प्यूट्स, सारी चीजें समय समय पे मैं क्लियर करता रहूंगा। देन आफ्टर ये कुछ कॉल्स नंबर्स हैं, ध्यान से आप देख सकते हैं, 6396605751 9076605752 9076605753 9076605785 9076605754 9076605755। ये कुछ नंबर हैं और इन पर आप कॉल करके अधिक जानकारियों को ले सकते हैं। तो साथियों, स्टूडेंट्स और जो भी हमारे फॉलोवर्स हैं, आज के लिए इतना काफी है। मैं जल्द ही बहुत से और सेगमेंट्स और नॉलेज के साथ आपसे फिर मिलूंगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।